एजेंट का माध्यम से आया था, 5 लाख रुपया लिया था। 5 लाख? तो अभी हम लोग कल से यहाँ पे जनक भाई के साथ में रुके हैं, बहुत मज़ा आया। कल का दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा, क्रिकेट मस्ती साथ साथ में जो बिरयानी, और बहुत ही अच्छा टाइम पास हुआ। तो वीडियो पे आज बने रहें, और आज जो मिलने वाला है वीडियो, आप मैं दोस्तों से बात कराता हूँ, भाई लोगों से बात कराता हूँ कि कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ क्या काम करते हैं, कितना पैसा खर्च हुआ था आने में, और क्या क्या काम करते हैं, कितना सैलरी मिलता है यहाँ पे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? भीम गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। आज जो है बकरीद है और छुट्टी है सबका, कंपनी में भी और हम लोगों का छुट्टी है। तो हम लोग भी आ गए थे जनक भाई रूम में, और आए थे कल ही, तो इसका वीडियो मैं डाल चुका हूं। तो फिलहाल ये वीडियो नेक्स्ट उसका पड़ेगा। तो अभी साथ में और भी भाई लोग हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। और दोस्तों पूछते हैं यहाँ पे जो ये लोग आए हैं और कौन कौन सी जगह से हैं, और यहाँ पे क्या काम करते हैं, कितनी सैलरी है। तो फिलहाल हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, फिलहाल गैरेज है, तो जनक भाई इसमें काम करते हैं। तो पहले इनसे ही पूरा परिचय ले लेते हैं। तो जनक भाई, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय दे दें। मेरा नाम है जनक प्रजापति। और कहाँ के रहने वाले हैं? जिला महाराजगंज। जिला महाराजगंज। कितना दिन हो गया आपको आके यहाँ पे? 6 साल हो गए। 6 साल से। क्या जैसा यहाँ पे आप आए थे तो कितना सैलरी था, क्या काम करते थे उस टाइम? आया था 1200 रुपये सैलरी में। अच्छा, अभी 1800 उठाता हूँ। 1800 रियाल अभी सैलरी हो चुका। और काम क्या है आपका, शुरू से पहले क्या था, अभी क्या, अभी सेम काम वही कर रहे हो? काम अभी दोनों करता हूँ, पंचरी मकैनिक का। पंचरी मकैनिक का। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ इनका जो गैरेज है, हम लोग उसी गैरेज में खड़े हैं। तो गैरेज को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटी गाड़ी नहीं, यहाँ पे पूरा जो गल्लाफ है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, जेसीबी है और बड़े बड़े सेवल हैं, उसका जो काम होता है तो जनक भाई यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे इंडिया में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैकेनिकल जरूर बन चुके हैं जनक भाई। तो दूसरा बात करते हैं भाई साहब से, बगल में हैं हमारे। तो भाई साहब अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोरी चौहान है। मोरी चौहान। ओरी चौहान। ओरी चौहान, भाई का नाम ओरी चौहान है। कहाँ के रहने वाले भाई साहब? जिला महाराजगंज। जिला महाराजगंज। भाई साहब कितना दिन हो गया आपको आके? 6 साल। 6 साल हो गया। आप क्या काम करते हैं आज कंपनी में? कंपनी में काम करता हूँ, कसारे में। कसारे में, तो यानी ऑपरेटिंग करते हैं? ऑपरेटर। तो ऑपरेटिंग का काम करते हैं। कितना सैलरी है आपका, कितना टाइम ड्यूटी है? सैलरी था पहले 1200, अभी 1900 उठा रहा हूँ। ड्यूटी है सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, यानी 12 घंटा ड्यूटी है अभी। थोड़ा यानी सैलरी पहले से यानी प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे काम करते करते अभी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब आए थे वहाँ पे तो एजेंट के माध्यम से आए थे या कोई बुलाया था, या किसी हिसाब से कितना खर्चा लगा था वहाँ? जब इंडिया से आया तो एजेंट के माध्यम से आया, और खर्चा लगा है 1 लाख। 1 लाख रुपया खर्च करके आए हैं। तो चलिए ठीक है, अभी यहाँ से तो ये दो भाई का तो परिचय हो गया फिलहाल में। अभी बात करते हैं शमशेर खान, अभी तो भाग गए थे भाई के सामने से। तो आ जाओ भाई इधर थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाँ तो भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया मैं जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़, यूपी। जिला अलीगढ़, टप्पल अलीगढ़। और कितना दिन हो गया आपको आके भाई साहब? 4 साल हो गए मेरे भाई। 4 साल हो गया। क्या काम करते हैं आप इस कंपनी में? ड्राइवर। ड्राइवर का। कौन सी गाड़ी चलाते हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली? या भैया दोनों, दो गाड़ी हैं, एक टैंकर है 18 टेरा, एक ट्रेलर है माल ढोने वाला 18 टेरा, वो भी। तो आपका कितना सैलरी है? सैलरी पहले 1200 था, अब 2000 हो गया था। यानी सब लोग यहाँ पे, यानी इस कंपनी में, यानी समझ लिए जो भी आया सब प्रोग्रेस ही किया है यहाँ पे। खैर बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं सोशल मीडिया में जो होता है, फेसबुक में बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग डालते हैं कि हमारा कपिल पगार नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना पगार वगार का इस कंपनी में कुछ? पहले जब हम आए थे पहले था, लेकिन अब नहीं, अब है 3 महीने के नीचे रखता है, क्योंकि आदमी या ड्राइवर किसी को गाड़ी ठोक देता है। अच्छा अच्छा। या किसी को मतलब होता है तो उसको अपने ऊपर रखता है एडवांस। तो अच्छा, यानी 3 महीने का सैलरी रोक के बाकी सैलरी वो पे करते रहता है, यानी देते रहता है। तो इसका मतलब है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सऊदी में कि 2-3 महीने का सैलरी रोकती हैं, क्योंकि जो भी मैटर होता है जाने के टाइम, यानी वो तो आदमी खुश जाएगा तो मिल जाता है ना सैलरी वो तो? नहीं नहीं, जो नीचे रहती है 3 महीने सैलरी वो सारी मिल जाती है। अच्छा, मिल जाती है, प्लस बोनस सब कुछ मिल जाता है। का भाई मिले जो बांग्लादेश से इसी कंपनी में काम करते हैं, जान लेते हैं इनका भी परिचय और कितना खर्च हुआ था बांग्लादेश यानी टाका में। तो और क्या नाम है इनका? तो भाई अपना परिचय दे दें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? मेरा नाम है मुबारक। मुबारक नाम है आपका। तो आप बांग्लादेश से रहने वाले हैं? हाँ बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ से? गाजीपुर।
गाजीपुर, गाजीपुर तो एक यूपी में भी पड़ता है ना गाजीपुर। हाँ तो यानी इंडिया यूपी में भी गाजीपुर है और बांग्लादेश में भी एक गाजीपुर है, तो गाजीपुर के रहने वाले, बांग्लादेश गाजीपुर के। तो कितना दिन हो गया भाई साहब आपको? मेरे को एक साल हुआ। एक साल हुआ, और क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं वेल्डिंग करता हूँ। वेल्डिंग का, वेल्डर का काम करते हैं। कितना सैलरी मिल जाता है आपको? सैलरी 1200 में आया था, अभी 1600 मिलता है। चलिए यानी आप भी प्रोग्रेस ही किए हैं यहाँ पे आके। एक साल में 400 रियाल का इनका बढ़ चुका है सैलरी। तो कितना खर्च लगा था आपको बांग्लादेश से आने के लिए? एजेंट के माध्यम से आए या कोई बुलाया इधर से आपको, कैसा? एजेंट का माध्यम से आया था और 5 लाख रुपये लिया था। 5 लाख? 5 लाख टका? बाप रे यार, आप तो बहुत पैसा खर्च करके आएगा। ये मेरा उस्ताद जो मेरे को काम सिखाया इधर आने के। यानी आप आए थे तो उस टाइम यही सपोर्ट किए हैं आपको सिखाने में, काम का करने में हेल्प किए हैं जो भी हैं? हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई लोग। ये मेरे दोनों चेला, ये मेरे दोनों। तो दोस्तों आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसा जो वीडियो डालते हैं कि मेरा कपिल पगार नहीं दे रहा है, मेरा कंपनी में काम नहीं है, मेरा खाने के लिए नहीं है। तो खैर यहाँ पे आके बहुत ही खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जिनसे भी मैं बात किया उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल सैलरी भी ठीक ठाक है और काम भी, खैर 12 घंटा तो खैर सैलरी अभी 12 घंटा तो खैर कंपनी में ज़्यादातर चलते ही रहता है, 8 घंटा से 12 घंटा चलता है। तो खैर बात करके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ा कंपनी का लुक और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उसका थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको, तो वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों अभी हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी कल से ही हम लोग आए हैं, रुके हुए यहाँ पे। अभी हम लोग निकलते हैं अभी रूम पे और साथ में जनक भाई भी जा रहे हैं। भाई साहब को बोला तो इनको टाइम ही नहीं है, अभी बोल रहे हैं कल से इनका ड्यूटी है। तो खैर आगे का वीडियो आपको रास्ते में मिलेगा और जहाँ पे हम लोग रहते हैं रूम पे वहाँ पे मिलेगा, तो वीडियो पे बने रहें। हम आ गए हैं रूम पे और बहुत ही मज़ा किए उधर, बहुत ही इंजॉय किए, क्योंकि अभी क्या होता है कि विदेश में जब कोई अपना नहीं रहता है और कोई मिल जाता है अपने तरफ का और अपना पहचान का कोई आदमी अगर मिल जाता है तो बहुत ही खुशी महसूस होता है। और मैच तो बहुत दिनों बाद, हम दादा शुक्रवार को छुट्टी रहता था तो बृहस्पतिवार को रात को हम लोग जाते थे, तो पाकिस्तान से इंडिया के लोग उधर जाते थे, कम से कम हमारे तकरीबन 40-50 लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे। यहाँ पे एक अमीर हमारा है उसके पीछे, तो वहाँ पे जो होता था मैच पूरे 2-3 बजे रात तक हम लोग खेलते थे, आते जुमा को उनके 9-10 बजे तक होते ही रहते थे। वीडियो को करते हैं दोस्तों खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का और ट्विटर का तो आप जाके वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।